नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी के एक और वीडियो में। साथियों, केंद्र सरकार ने यूपीएस पेंशन को मंजूरी दे दी, यानी यूनिफाइड पेंशन को मंजूरी दे दी है, लेकिन ये केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए है, यानी कि सरकारी कर्मचारियों के लिए। इसी को देखते हुए अब ईपीएस 95 यानी प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयज़ को भी आस जगी है कि हमारा काम भी जल्द से जल्द होगा। साथियों, एक बात तो निश्चित है कि सरकार दबाव में आकर जरूर झुकती है, क्योंकि ओपीएस का विरोध लगातार हो रहा था। एनपीएस जरूर सरकार लेकर आई थी, लेकिन जितने भी सरकारी कर्मचारी थे वो एनपीएस के खिलाफ थे और ओपीएस की मांग कर रहे थे। उन्हीं के दबाव के फलस्वरूप सरकार को झुकना पड़ा और उन्होंने एक बीच का रास्ता निकाल कर यूपीएस पेंशन लॉन्च की। तो इसका मतलब तो यह है कि अगर दबाव बनाया जाए और लगातार बनाया जाए तो सरकार झुकती है। साथियों, इसी को देखते हुए ईपीएस 95 पेंशनर्स की भी आस जगी है कि हमारा जो भी संघर्ष 10 सालों से चल रहा है, लेकिन अगर हम लगातार संघर्ष करें और सरकार पर दबाव बनाए रखें तो हमारी भी मांगे ज़रूर पूरी होगी। साथियों, इसी क्रम में लगातार एनएससी और विभिन्न संगठन इस तरह के प्रयास कर रहे हैं और अब उनकी आस और जाग चुकी है कि सरकार यूपीएस लेकर आई है तो ईपीएस 95 पेंशनरों को भी जल्द से जल्द खुशियां ज़रूर मिलेगी और उनकी जो भी मांगे हैं उनको सरकार ज़रूर मानेगी, क्योंकि असंगठित क्षेत्र जो प्राइवेट सेक्टर है वो बहुत बड़ा है। करोड़ों संख्या में एम्प्लॉयज़ इस सेक्टर में काम करते हैं और उनको भी बढ़ी हुई पेंशन की दरकार है। साथियों, इसी को लेकर एक बेहतरीन आर्टिकल एक प्रिंट मीडिया में छपा है जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। बेहतरीन तरीके से उन्होंने यूपीएस और ईपीएस 95 को कंपैरिजन करके बताया है कि जैसे सरकार ने यूपीएस लॉन्च की है तो अब ईपीएस 95 की भी मांग आ गई है कि सरकार इसको मान ले और जल्द से जल्द प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयज को भी उनका हक प्रदान करे। तो साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये वो आर्टिकल है जो एक प्रिंट मीडिया में छपा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यूपीएस के बाद निजी क्षेत्र के कर्मचारियों की पेंशन में बड़े सुधार समय की ज़रूरत हो गई है। यहाँ पर डिटेल में लिखा है कि केंद्र सरकार की यूनिफाइड पेंशन स्कीम से 23 लाख केंद्र कर्मचारियों और राज्यों की तरफ से भी इस स्कीम के लागू होने पर 90 लाख राज्य कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। दूसरी तरफ देश में संगठित निजी क्षेत्र के करीब 78 लाख कर्मचारियों को अब भी ₹1,000 प्रति माह की न्यूनतम पेंशन से ही अपना गुजारा चलाना पड़ रहा है। तो यहाँ पर बात हो रही है ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन की बात हो रही है। यूपीएस की घोषणा के बाद ट्रेड यूनियन संगठित निजी सेक्टर के कर्मचारियों के लिए भी प्रति माह ₹10,000 से अधिक की पेंशन को लेकर आवाज़ उठाने की तैयारी कर रही है। तो साथियों, यहाँ पर अब जो असंगठित क्षेत्र जो निजी सेक्टर के संगठन है वो भी ₹10,000 मिनिमम पेंशन की मांग कर रहे हैं, क्योंकि यूपीएस में मिनिमम ₹10,000 कर दिए गए हैं। निजी सेक्टर के कर्मचारियों को भविष्य निधि फंड से पेंशन दी जाती है, जिसका संचालन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ करता है। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस इंटेक के महासचिव संजय कुमार सिंह ने बताया कि निजी सेक्टर के कर्मचारियों की न्यूनतम पेंशन ₹1,000 से बढ़ाकर प्रतिमाह 10,000 करने की हमारी मांग बहुत पुरानी है, लेकिन अब यूपीएस के ऐलान के बाद हम निजी सेक्टर के कर्मचारियों के लिए भी सरकार से ऐसी पेंशन स्कीम लाने की मांग करने जा रहे हैं जो प्रतिमाह ₹10,000 से अधिक हो। उन्होंने कहा कि निजी सेक्टर के कर्मचारी भी इनकम टैक्स देते हैं और जीडीपी में अपना योगदान देते हैं, तो फिर उन्हें भी सम्मानजनक पेंशन की सुविधा मिलनी चाहिए। तो साथियों, यहाँ पर कह रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर के जो एम्प्लॉयज़ है, कर्मचारी है, वो भी इसी तरह से इनकम टैक्स देते हैं और देश की जीडीपी में उनका भी योगदान है, तो उन्हें भी इसी तरह सम्मानजनक पेंशन मिलने का हक है। आगे लिखते हैं कि सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकार पेंशन फंड में अब 18.5% योगदान देगी, जो निजी सेक्टर के कर्मचारियों के लिए भी वैसा कर सकती है। विशेषज्ञों के मुताबिक हर साल 1 करोड़ से अधिक निजी क्षेत्र के श्रमिक ईपीएफओ से जुड़ रहे हैं, जिनके लिए सिर्फ ₹1,000 की न्यूनतम पेंशन की व्यवस्था है। वर्ष 2017 के सितंबर से लेकर इस साल मार्च तक ईपीएफ से जुड़ने वाले कर्मियों की संख्या 6.3 करोड़ रही है। पिछले वित्त वर्ष 2023-24 में ही
1.31 करोड़ लोग ईपीएफ से जुड़े थे, जबकि सरकारी कर्मियों की नेशनल पेंशन स्कीम से इस अवधि में सिर्फ 7.7 लाख कर्मचारी ही जुड़ पाए हैं। यहाँ पर ब्रैकेट में आगे लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर भी ईपीएफओ ने पेंशन नहीं बढ़ाई है। तो लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की तरफ से निजी सेक्टर के कर्मचारियों को सम्मानित पेंशन देने के लिए एक स्कीम लाई गई थी, जिसके तहत उन्हें भी अंतिम मूल वेतन का लगभग 30% पेंशन के रूप में देने की बात कही गई थी, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई ठोस प्रगति नहीं हुई है। निजी सेक्टर के कर्मचारियों की न्यूनतम पेंशन की मांग पर वित्त मंत्रालय वर्षों से विचार कर रहा है। वित्त मंत्रालय की दलील रही है कि इस 1,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन सुनिश्चित करने के लिए सरकार पर सालाना 4,000 करोड़ रुपये का बोझ है, और ये राशि अगर बढ़ती है तो बोझ और भी बढ़ेगा। हालांकि साथियों, यहाँ पर जो सरकार कहती है, वित्त मंत्रालय कहता है, उसमें काफ़ी फेरबदल है, काफ़ी खामियां हैं, क्योंकि एक तरफ ईपीएफओ ही अपने आंकड़े जारी करता है जिसमें उनका जो प्रॉफिट है वो काफ़ी करोड़ों लाख करोड़ों में दिखाया जाता है, और एक तरफ वो कहते हैं कि अगर पेंशन बढ़ा दी जाएगी तो सरकार को घाटा होगा। तो साथियों, ये दो तरह की बातें सरकार करती है, लेकिन हालांकि हमें इस पर नहीं जाना है, चूँकि यूपीएस लॉन्च हो चुकी है, सरकारी कर्मचारियों को अगर पेंशन दी जा सकती है तो फिर प्राइवेट कर्मचारियों को क्यों नहीं दी जा सकती, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयज़ भी अपना अंशदान देते हैं, सरकार अपनी तरफ से कुछ नहीं देती, कर्मचारी खुद अपने हर महीने अपनी सैलरी से पेंशन में कंट्रीब्यूट होता है नियोक्ता की तरफ से, तभी जाकर पेंशन फंड में पैसा जमा होता है। हालांकि सरकार अभी 1 से 1.5% उसमें योगदान दे रही है, लेकिन इसको बढ़ाने की ज़रूरत है, जहां सरकारी कर्मचारियों के पेंशन फंड में अगर 18.5% दिया जा सकता है तो प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयज़ के फंड में 1% तो कहीं भी नहीं है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, इसको बढ़ाने की ज़रूरत है। सरकार अगर इसको 5 से 10% तक भी लेकर आती है तो अच्छी खासी पेंशन प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को मिल जाएगी, जो लगातार NSE और विभिन्न संगठन मांग कर रहे हैं। तो साथियों, ये बड़ा अपडेट है, जैसे ही UPS लॉन्च हुई है तो अब EPS 95 पेंशन बढ़ोतरी की मांग तेज़ हो चुकी है, और ये जायज़ भी है, क्योंकि अगर सरकार एक वर्ग को पेंशन बढ़ाकर दे सकती है तो दूसरे वर्ग के साथ में कैसे वह अन्याय कर सकती है, जबकि दोनों ही सेक्टर के एम्प्लॉयज़ भारत की GDP और भारत की ग्रोथ में अपना योगदान दे रहे हैं। अगर कहा जाए तो प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयज़ ज़्यादा अपना योगदान इस भारत की बढ़ती हुई ग्रोथ में दे रहे हैं। तो साथियों, ये बहुत ही बड़ी अपडेट थी, एक प्रिंट मीडिया एक में एक बेहतरीन आर्टिकल जो आपके साथ में हमने शेयर किया। इसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर करिएगा। इसी तरह की अपडेट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।